यह हमारा 12 घर का मॉड्यूलर बोर्ड है। इसमें स्विचेस और रेगुलेटर कैसे बैठाना है, वायरिंग कैसे करना है, इसके बारे में सीखते हैं। ये वाला बोर्ड में हम लोग दो रेगुलेटर बैठाने वाले हैं और स्विचेस बैठाने वाले हैं और एक इंडिकेटर भी इसमें लगाने वाले हैं। सबसे पहले प्लेट में हम लोग रेगुलेटर को लगा लेते हैं। इसको हल्का से बैठा के तो प्रेस करना है, जोर नहीं लगाना है क्योंकि इसका क्लिप नाजुक रहता है, टूट जाता है जल्दी। हल्का सा ही प्रेस करना है, वो आराम से बैठ जाता है इसका जगह पे। आपको सेटअप करके हल्का सा प्रेस करना है, एक साइड सेटअप करके ऐसा ही। उसके बाद हम लोग स्विचेस बैठा दें फटाफट। ये हमारा बोर्ड में प्लेट में स्विचेस और रेगुलेटर इंडिकेटर बैठा के कंप्लीट हो गया। इसके हम लोग वायरिंग करते हैं। ये हमारा ऊपर वाला दो रेगुलेटर फैन के लिए दो स्विचेस है। सबसे पहले वहाँ पर हम लोग वायरिंग करते हैं, इसका स्क्रू को ढीला करते हैं नीचे वाला टर्मिनल का। उसके बाद जो हमने वायर छीला है नाप के, जो स्विच का जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्त, उसके अंदर इसको डाल देना है। और उसके बाद अच्छा जी इसको स्क्रू को टाइट कर देना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ढीला छोड़ेंगे तो उसमें स्पार्क होता है और स्विचेस गर्म होकर जल भी जाता है, इसीलिए उसको ढीला नहीं छोड़ना है, अच्छे से टाइट कर देना है। ऊपर वाला हो गया, अभी हम लोग नीचे वाला का स्विचेस में देना है। जितना ज़रूरी है उतना वायर नाप के ले लेंगे, उसके बाद कट कर देंगे एक्स्ट्रा वायर को। ये हमने एक्स्ट्रा वायर को कट कर दिया। उसके बाद जितना ज़रूरी उतना ही नाप के ऐसा स्विच में बैठा के, ये हमारा इतना ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पर हल्का सा कट मार के थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग वायर को छील लेंगे। एक साथ में नहीं छीलना है, नहीं तो फिर इसका अंदर का वायर आ जाता है कट के। ये हमारा वायर छील दिया हम लोग ने। अभी इसको ट्विस्ट करना है, ऐसा मोड़ना है जैसे आप देख रहे हो। अच्छा से मोड़ दीजिएगा तो ये जो वायर है कड़क हो जाता है। ये हमने अच्छे से मोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा ही मोड़ना है आपको भी। उसके बाद तो जो जितना भी नीचे का स्विचेस है उसका स्क्रू को ढीला करना है। ये हमारा सारा स्विच इसका स्क्रू ढीला कर दिया हम लोग ने। और उसके बाद ये जो हमने वायर को ट्विस्ट किया है सबका नीचे वाला हिस्सा में दोस्त शॉर्ट कराना है, ऐसे आराम से घुसा दीजिएगा तो इजीली चले जाता है। देखिए जैसे मैंने घुसाया इधर तो सब स्विच का नीचे वाला हिस्सा में मैंने इसको शॉर्ट करा दिया। उसके बाद सबको स्क्रू को अच्छा से इसको भी टाइट कर देना है। ये पूरा हो गया, अभी हम लोग इसका इसमें इंडिकेटर के लिए फेस देंगे दोस्त। इंडिकेटर के लिए ग्लो करें न्यूट्रल फेस का ज़रूरी। हम लोग क्या करेंगे, जो बाजू वाला स्विच में जो हमारा फेस इन होएगा उसका साथ में इसको भी एक वायर को कनेक्ट कर देंगे।
ये हमने एक वायर को उसका जो बाजू वाला स्विच में टाइट कर दिया। ये हमारा दोस्त रेगुलेटर है जो हमने रेगुलेटर लगाया है, इसमें दो वायर निकला रहता है दोस्त। इसमें दोनों में कोई भी एक वायर आप जो स्विच से ऑपरेट करना है उसका ऊपर वाले हिस्से पे इसको कनेक्ट करके अच्छे से टाइट कर देना है। ये हमने एक वायर स्विच का ऊपर टाइट कर दिया, एक वायर हम पंखा में जाएगा। सेम सेकेंड वाले को भी करना है, जो बचा हुआ दो वायर है दो रेगुलेटर का, जो हमारा जो पंखा से जो वायर आएगा उसके साथ अच्छा से इसको लगा देना के टेप मार देना है लगा के। ये हमारा बोर्ड का वायरिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया दोस्त। ये जो निचला जितना भी बचा है हम लोग लाइट के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारा लाइट से जो वायर आएंगे वो जो स्विच के ऊपर वाला हिस्सा में टाइट कर देंगे। अभी ये बोर्ड में हम लोग फेस और न्यूट्रल इन कर देंगे। इसमें दोस्त ओनली फेस का ही ज़रूरी, इसमें सर्किट नहीं है। हमारा न्यूट्रल इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसमें हमने एक बोर्ड में इंडिकेटर लगाया है। फेस जो है दोस्त जो हमने जितना स्विच में शॉर्ट किया है वाला वायर में इसको लूप कर देना है, ऐसा डाल के आपको अच्छे से स्क्रू टाइट कर देना है। ये पूरा बोर्ड को हमारा सप्लाई दे देगा। जो न्यूट्रल वाला है दोस्त हमारा एक ही जगह यूज़ के लिए आएगा, जो हमने इंडिकेटर दिया है। अगर सर्किट होता तो सर्किट के लिए होता, तो इसमें सर्किट नहीं है, ये बोर्ड में ओनली इंडिकेटर है। अच्छा से टेप भी कर देना उसको। टेपिंग हो गया, ये बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी बच्चा जो भी टर्मिनल है दोस्त वो हमारा जो लाइट पंखे का आएगा उसका कनेक्शन होएगा। ये हमारा पंखे का कनेक्शन होगा, नीचे वाला लाइट का। कैसे कनेक्शन करना ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज कर देते बोर्ड को। ये हमारा स्क्रू टाइट करके इसके ऊपर एक प्लेट आता है दोस्त, उसका प्लेट बैठाना है, ठीक है। ये हमारा दो स्विच दो पंखे के लिए ऑपरेट है, जो ऊपर वाला जो जितने भी स्विच है ये हम लाइट के लिए यूज़ करेंगे। इसको कवर कर देंगे जो प्लेट का, देखिए ऐसे हल्का सा प्रेस करना ये बैठ जाता है। अभी हम टेस्ट करते हैं ये बोर्ड में इंडिकेटर ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। आप भी आसानी से बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो कैसी लगा दोस्त आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्त ये हमारा इंडिकेटर जब ग्लो हो गया, ये हमारा बोर्ड का वायरिंग सही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।